Assalamualaikum viewers, welcome back to another video. जी viewers, last video में हमने देखा था कि ये जो हमने सेक्शन जो है सेक्शन व्यू कुछ क्रिएट किए थे AutoCAD में, ठीक है, और इन पे हमने अपना डाटा प्लाट करके देखा था। आज की वीडियो में हम इसकी प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास AutoCAD है और उसमें कुछ सेक्शन व्यू हैं आपके पास, आपने टेम्पलेट ऑलरेडी उन पे लगाई हुई है और आप उनका लेआउट क्रिएट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली मॉडल स्पेस से उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्विकली कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक लिस्ट का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले जो है आपके पास ये जो आपका टेम्पलेट है इसकी एक्स और वाई की डायमेंशन होनी चाहिए, ठीक है। ये डायमेंशन जो है हम अपनी लिस्ट में जो है एंटर करेंगे और उसके बाद लिस्ट जो है वो इसको क्विकली प्रिंट करने में हमारी मदद करेगी। तो इसमें एक्स एक्सिस की जो डिमेंशन है वो 275.46 है और यहाँ पे हमारी ये जो टेम्पलेट है इसकी वाई डिमेंशन 195.15 है, ठीक है। तो मैं लिस्ट दिखाता हूँ आप लोगों को, ये लिस्ट है, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी जो शार्ट कमांड है वो NCC है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ये जो है ये इसकी डायमेंशन है, ओके, ये इसकी डायमेंशन है जो एक्स एक्सिस में है हमारे टेम्पलेट की, और वाई एक्सिस में ये डायमेंशन है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, आपने अपनी डायमेंशन के हिसाब से इसमें लिख के इसको क्लोज कर देना है और सेव कर देना है। तो अभी मैं AutoCAD में इसको टेम्पलेट को ओपन करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना लिस्ट लोड करना है, ये हमारा लिस्ट पे, इसको मैंने लोड किया और क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो भी पेज सेटअप है आपके पास, मेरे पास अभी प्रिंटर नहीं है तो मैंने हाई क्वालिटी PDF में रखा है इसको, यहाँ से मैंने अपना पेज जो क्रिएट किया वो मैंने सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पे A3 वगैरह जो भी है या A4 जिस पे आपने प्रिंट करना है उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे विंडो टूल लें और यहाँ से जो आपकी डायमेंशन है इसको एक दफ़ा आप इधर से रेक्टेंगल बना के अप्लाई टू लेआउट करके ओके कर दें। तो यहाँ पे जो है आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे फाइल आपने सेव करनी है, तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये मैंने फोल्डर बनाया है प्रिंट का, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये फर्स्ट सेक्शन जो हमने प्रिंट किया है ये ओपन होके हमारे स्क्रीन पे आ गया है। अभी नेक्स्ट हमने इसको कंटिन्यू करना है, अगर तो हमारे पास प्रिंटर अटैच है इसमें तो ये PDF व्यूअर में नहीं आएगा, डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट जो है वो आ जाएगा, ठीक है, और आप जस्ट क्लिक करते जाएंगे और प्रिंट आते जाएंगे। अभी हमने PDF करना है तो ज़ाहिर है हमें हर फाइल को सेव करना है तो हमें इसका नाम भी देना होगा, तो हम इसी प्रोसीजर को देखते हैं इसमें कभी नेक्स्ट हमने कैसे काम करते हैं। NCC ओके। अभी मुझे पूछा जा रहा है कि आप पॉइंट पिक करें कहाँ से आपको प्रिंट करना है, तो मेरे पास ये पॉइंट है, मैं इसको पिक करता हूँ। जैसे मैंने पिक किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा सेक्शन आ गया, पहले हमने वन नाम दिया था अभी एन के नाम से आ गया, वो बाई डिफॉल्ट उसमें एन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट में चेंज करते हैं, मैं फिर AutoCAD में जाता हूँ, मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ, कमांड एक्टिव हो गई है, ठीक है, और अभी मैं थर्ड सेक्शन के पास में क्लिक करता हूँ। तो अभी मुझे पूछा जा रहा है आपने नेम एन ही रखना है या चेंज करना है, तो मैं इसको, हम भाई हमारा थर्ड वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप चेंज वगैरह भी दे सकते हैं जिस चेंज का सेक्शन हो, मैं इसको 3 लिख के टाइप करता हूँ और मैं इसको एंटर एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी हमने वाई किया था तो बाई डिफॉल्ट इसमें वाई आ गया है, ओके। मैं नेक्स्ट करता हूँ, स्पेस बार प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जो है ओके, यहाँ पे मैं इसको 4 का नाम देता हूँ और 4 नो यस ओके। तो यहाँ पे हमारा जो अभी हमने 4 दिया है नेम इसको, ये 4 के नेम से हमारा ये सेक्शन आ गया है। तो मैं फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ, स्पेस बार प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी मैं इसको 5 का नाम देता हूँ, नो यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 के नाम से नया सेक्शन प्रिंट हो के आ गया। अभी तक हमारी 5 फाइल बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि कितना क्विकली हम इसको इजीली हम इसको प्रिंट कर सकते हैं अपनी फाइल को। अभी 6 नंबर है हमारे पास,
और ये नंबर 6 के नाम से हमारे पास जो है सेक्शन व्यू में आ गया। मैंने इसमें कुछ डाटा नहीं रखा है, ये जस्ट समझाने के लिए है, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, नेक्स्ट, फिर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अभी 7 नंबर है हमारा, आपने बस इंटर प्रेस करते जाना है और ये प्रिंट होके आ जाएगा। अगर प्रिंटर अटैच है तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपने जस्ट एक सिंगल क्लिक करना है और आपका प्रिंटर से प्रिंट निकल के आ जाएगा। ओके, 8 नंबर सेक्शन हमारे प्रिंट हो गए हैं। ओके, अभी हम 9 वाला करते हैं। ओके, नंबर 9 हो गए। अभी इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, फिर स्पेस बार प्रेस करता हूँ। ओके, अभी 10 है। ओके, नंबर 10 का सेक्शन भी आ गया है। अभी हमारे पास नंबर 11 है। ओके, जस्ट आपने एंटर करना है तो ये सेक्शन आपके प्रिंट हो जाएंगे। अभी लास्ट सेक्शन है हमारे पास, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और 12 नंबर इसको एंटर किया, 12 नंबर और एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने थोड़े से टाइम में अपने 12 सेक्शन जो है पीडीएफ में प्रिंट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।